मीना की रेसिपी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कढ़ी बनाने की रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ 3-4 लोगों की कढ़ी। इसमें क्या क्या सामग्री लगेंगे मैं वो आपको बताती हूँ। कढ़ी बनाने में आपको क्या क्या सामग्री लगेंगे मैं वो आपको बता रही हूँ। 100 से 150 ग्राम बेसन ले, 100 से 150 ग्राम दही ले, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। तड़के के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 3-4 सूखी हुई लाल मिर्च। पहले मैं दोस्तों चूल्हा जला लेती हूँ और कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। और अब मैं लूंगी 100 से 150 ग्राम बेसन, चने की, मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेटूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ और मैं अब इसे अपने हाथों से जोर जोर से इसे मिलाऊंगी इस तरह से। आप फेंटने के लिए हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चम्मच हो, कलछुल हो, कोई भी चीज से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पकौड़ी बनाने के लिए बेसन फेंट लिया है दोस्तों, बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूंगी। सबसे पहले इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इसमें 1 चम्मच डालें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स हो चुके हैं मेरा बेसन। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी सरसों का, जिसमें मैं इसका फुलौरी तैयार करूंगी, जिसे आप पकौड़ी भी कह सकते हैं। मेरे तेल गर्म हो चुके हैं, अब मैं डालूंगी बेसन का जो मैंने घोल बनाया था उसका फुलौरी इस तरह से। आप चाहे तो साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, आंच हमेशा तेज ही रखें। अब मैं फुलौरी को पलटने जा रही हूँ इस तरह से। जब लाल हो जाए इसे आप पलट दें और दोनों तरफ ब्राउन कर लें। मेरे फुलौरी ब्राउन हो चुके हैं दोस्तों, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। प्लेट में मैंने निकाल लिया है और कढ़ाई में तेल ज्यादा है दोस्तों, इसलिए मैं तेल को कम कर दूंगी, क्योंकि तड़के के लिए मुझे तेल की ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच ही तेल चाहिए, इसलिए बाकी तेल को मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैं फुलौरी को बाहर निकाल चुकी हूँ कढ़ाई में से। अब मैं इसे कुछ देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए पानी में डालूंगी ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। तब तक मैं बेसन का घोल जो मैंने घोला था उसमें से थोड़ा सा बेसन बच गया है, मैं इसी में पानी डालूंगी और दही डालूंगी। दही को पहले थोड़ा सा हाथों से इस तरह से कर लें ताकि इसमें जो भी गुलटी है वो ठीक हो जाए। मैंने बेसन थोड़ा सा बचा लिया था दोस्तों, अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही को पहले थोड़ा सा फेंट लें इस तरह से और इसमें पानी डालें 1 गिलास। 1 गिलास पानी डालें और फिर इसे बचे हुए बेसन में डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें बाकी मसाला डालें। अब मैं कढ़ी में मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। इसमें और पानी पड़ेगा दोस्तों,
क्योंकि ये जब खदकने लगेगा उबाल इसमें जब आने लगेगा तो ये गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसे 5 से 7 मिनट तक उबालना है। इसलिए इसमें पानी जो मैंने अभी अभी बड़ी में डाला था पानी, इसका पानी मैं निकाल कर इसी में डाल दूंगी। मेरा जोड़ के लिए दही तैयार है, बेसन दही। अब मैं डालने जा रही हूँ तड़के के लिए 1 चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता का टुकड़ा, 3-4 सूखी हुई लाल मिर्च। इसे मैं तड़कने दूंगी। जब जीरा लाल हो जाएगा दोस्तों तो मैं इसमें डालूंगी दही और बेसन का घोल। मैंने दही और बेसन का घोल बना लिया था दोस्तों, अब मैं इसमें डालूंगी दही और बेसन का घोल। अब इसे 1 से 2 मिनट तक चलाऊंगी और इसका आंच मैं तेज ही रखूंगी। इसमें अगर आपको पानी की जरूरत थोड़ा और समझ में आए दोस्तों तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। मैंने बेसन दही का घोल डाल दिया है कढ़ाई में, अब मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए उबलने दूंगी। जब ये 8 से 10 मिनट उबल जाएंगे दोस्तों तो इसका कलर थोड़ा और अच्छा आएगा निखर कर। और इसमें मैं उसके बाद डालूंगी बड़ी जो मैंने पहले ही छान कर रखा था, इसलिए इसे 10 मिनट के लिए उबलने दें। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, इसमें कलर भी आ चुका है और मेरा कढ़ी तैयार है दोस्तों। अब मैं इसमें डालूंगी बड़ी जो मैंने पहले ही छान लिया था और पानी में से भिगो दिया था, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद आप 1 से 2 मिनट और पकने दें, उसके बाद चूल्हा को बंद कर दें। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसे एक कटोरी में निकाल लूंगी। अब मैं कटोरी में निकाल रही हूँ दोस्तों, इसे गर्म गर्म सर्व करें चावल के साथ या रोटी के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार होगी आपकी कढ़ी। आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। अब मैं दोस्तों आपको खाकर बताती हूँ मेरा कढ़ी कैसा बना है। मैं इसे चावल के साथ खा रही हूँ। सब लोग खाते हैं अपने लिए और मैं खाती हूँ आपके लिए। बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों, इसे एक बार घर पर ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरा कढ़ी अच्छा लगे दोस्तों तो इसे एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।